नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। आप सभी के साथ मैं हूँ जीनत सिद्दीकी, और आज इस हमारे खास कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं महेंद्रगढ़ से विधायक, साथ ही साथ हरियाणा सरकार में मुख्य संसदीय सचिव यानी कि राव दान सिंह जी। राव दान सिंह जी, आपका सबसे पहले बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। धन्यवाद। अगर हम कांग्रेस की स्थिति को इस वक्त देखें, क्योंकि आप मैदान में उतरने वाले हैं और कोशिश ये है कि तीसरी बार प्रदेश में सरकार कांग्रेस की रिपीट हो, कांग्रेस बिखर क्यों रही है? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस बिखरने का सवाल है, पिछले जो लोकसभा के चुनाव हुए उनके अंदर जिस तरह के परिणाम आए, उसके बाद बहुत सारे लोगों को इस तरह की गलतफहमियाँ रही कि शायद उनका भविष्य वहाँ जाकर के ऊंचा हो सकता है। लेकिन वो ये भूल गए कि हरियाणा प्रदेश के और राष्ट्रीय मुद्दों में दिन रात का अंतर है। और जो विकास में भेदभाव के आरोप लगते हैं वो क्या चीज़? मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीड़ित तो ये क्षेत्र रहा जहाँ से मैं प्रतिनिधि हूँ। इस क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता था, और आज मैं समझता हूँ कि हमें पिछड़े से हमेशा के लिए छुटकारा दे दिया गया है, क्योंकि हम NCR के पार्ट हैं। नाउ वी आर नो मोर पिछड़ा। और साथ ही इस पिछड़े क्षेत्र के अंदर शिक्षा को हब बनाने का प्रयास किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पर है, जिसमें मेडिकल कॉलेज यहाँ पर है, सेंट्रल स्कूल यहाँ पर है, किसान मॉडल स्कूल यहाँ पर है, मॉडल संस्कृति स्कूल यहाँ पर है, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज यहाँ पर है, ROE स्कूल यहाँ पर है। इसके बाद में ये किसान बाहुल्य क्षेत्र तो रहा ही है पूरा हरियाणा प्रदेश, लेकिन ये क्षेत्र सैनिक बाहुल्य भी रहा है। और 25 साल से जो एक सैनिक स्कूल की बहुत लंबी मांग चल रही थी, उसका भी अगर किसी ने संपूर्ण कराया तो भूपेंद्र सिंह उड़ान रेवाड़ी के अंदर। नहीं, आपने तमाम चीज़ें कि भाई आरोही स्कूल का आप जिक्र करें, वहाँ शिक्षक नहीं होते, ये खबरें हम रोजाना देखते हैं। आप महेंद्रगढ़ का जिक्र कर रहे हैं, ये डार्क जोन में आ चुका है आपका साउथ हरियाणा, पानी नहीं है यहाँ पर, उसके लिए क्या किया आपने स्पेशल? देखिए, एक SYL का इशू नहीं सॉल्व हो पाया अभी। पानी पानी की समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं सहमत हूँ इस बात से। लेकिन पानी का समस्या दो मुद्दों पर है। एक तो SYL का जो अंतर्राज्यीय मुद्दा है जो आपस में उलझा हुआ है, दूसरा हाँसी बुटाना लिंक नहर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 156 इस इलाके को देने का प्रयास किया कि हम हमारा हिस्से का जो पानी वर्तमान में उपलब्ध है उसमें से हम यहाँ पर लें, लेकिन उसमें भी राजनीतिक पार्टियाँ अपने स्वार्थों को देखते हुए उन लोगों ने उसको ले जाकर के कोर्ट में लंबित करा दिया गया है। और उनकी दोहरी नीति है, वो इन लोगों को कहते हैं कि हम आपको पानी ला करके देंगे, उन लोगों को कहते हैं पानी जाने नहीं देंगे। जी, आप जो कह रहे हैं वो एक तरफा बात है, कि अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, मैं इस महेंद्रगढ़ को भी उठा लूं, यहाँ पर सड़कों की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, आप स्कूल्स का जिक्र कर रहे हैं, स्टिल आपको लंबा वक्त दिया जनता ने, 3 बार आपने जिम्मेदारी संभाली है, कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं आप? कहीं हैं, क्योंकि हम भी सफर करके आए और सड़कों की हालत ने बहुत रुलाया है। हम संतुष्ट हैं। एक बात जो आपने कही है उस पर मैं भी सहमत हूँ, वो जो आप सड़क की बात कह रही हैं, क्योंकि सड़क यहाँ पर पहाड़ बंद कर दिए गए हैं, माइनिंग यहाँ पर हो नहीं रही है। और ये जो इन हमारा एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है जो राजस्थान से लेकर चंडीगढ़ को जोड़ने वाला है, ये एक प्राइवेट कंपनी IVR सेल कंपनी को टेंडर दिया था, और वो पत्थर की उपलब्धता न होने की वजह से बीच में ही अपने अर्नेस्ट मनी छोड़ करके चले गए। इस रोड को छोड़ करके यहाँ पर क्या नहीं था और क्या नहीं किया मुख्यमंत्री ने? यहाँ पर रेलवे ओवर ब्रिज नहीं था वो उन्होंने बनाया, मिनी सेक्ट्रेट नहीं था वो उन्होंने बनाया, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स नहीं था वो उन्होंने बनाया, ऑडिटोरियम नहीं था वो उन्होंने बनाया, पार्क नहीं था वो उन्होंने बनाया, स्टेडियम नहीं था वो उन्होंने बनाया, स्विमिंग पूल नहीं था वो उन्होंने बनाया, सब तहसील सतनाली को उन्होंने बनाया, ब्लॉक समिति का ब्लॉक जो है सतनाली को बनाया, CHC सतनाली बनाया, कुछ किया आप लोगों ने। मिड डे मील में इतने सारे इंसिडेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में डेस्क नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, टीचर्स नहीं है। अगर हम ये कहें कि एजुकेशन की पूरी आप पूरा हब बना लें, सिटीज बना लें, बड़े बड़े डेवलपमेंट कर लें, ग्राउंड लेवल पर अगर हम पुअर हैं, देन आप कैसे बीट करेंगे? क्योंकि वही बच्चे जाएंगे वहाँ पर। नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमें उसका सिस्टम को सुधारना तो वहाँ पर कमी पड़ा नहीं है। गई, आप एग्री अभी करते कोई हैं। कमी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हमने देखा है कि पहले जो सिस्टम में कमी थी उन सब कमियों का हमने पूरा कर दिया। अध्यापकों की कमी थी उसके लिए बहुत बड़ी भर्ती JBT की, PGT की हमने कर दी है। अब मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में किसी स्कूल के अंदर किसी शिक्षक की कोई कमी नहीं रहेगी। आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि ग्राउंड लेवल पर कुछ काम करना बाकी है, वो तो हमेशा रहता है, ये प्रोग्रेस की एक निशानी है। इम्प्रूवमेंट हो रहा है और इम्प्रूवमेंट और होगा। और जिस तरह से विकास की बात आती है, ये क्षेत्र हमारा अभी एक्सप्रेसवे से जुड़ रहा है, ब्रॉडवे से जुड़ चला गया, पावर की प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर नहीं है, पानी की प्रॉब्लम है वो मैंने बता दिया, SYL और हाँसी बुटाना लिंक नहर है, आज नहीं तो कल माननीय न्यायालय उसका फैसला देगा और इस इलाके के जो सूखी धरती है उसको नीला पानी देखने के लिए मिलेगा। तो आप, अगर मैं ये जानना चाहूँ, राव दान सिंह इस बार फिर से मैदान में है कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल, भगवान ने चाहा, पार्टी ने मुझे मौका दिया तो बिल्कुल है उसके अंदर। अगर इस सीट की बात करें, इस सीट का एक अनोखा इतिहास रहा है, आप आखिर कैंडिडेट हो जाएंगे, इनेलो ने आखिर कैंडिडेट को मैदान में उतारा।